नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे कोई आईडी को जब हम सर्च करते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो आईडी सर्च में ही नहीं आती, और सबसे बड़ी बात वो आईडी अगर हम दूसरी आईडी से सर्च करते हैं तब वो आईडी हमें दिख रही होती है। कहने का मतलब ये है कि उस आईडी पे भैया फोटो भी अपलोड हो रहे हैं, रील भी अपलोड हो रही है, और दूसरी आईडी से वो दिख भी रही है, यानी कि जिंदा आईडी है वो, लेकिन हम अपनी दूसरी आईडी से उसको सर्च करते हैं ना तब वो हमें नहीं सर्च में आती। इसका क्या रीजन है और इसका क्या समाधान है, वो भी परमानेंट वाला। तो भैया आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना। और हाँ, नए हो तो भैया रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है दबा दो, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा और भाई के साथ जुड़ने में आप ही का फायदा है, तो फ्री है सब्सक्राइब करना, कर दो। चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, इंस्टा पे अगर हमें कोई व्यक्ति ब्लॉक कर देता है तो ब्लॉक करने के बाद यह होता है कि हमें वो आईडी सर्च नहीं होती है। अब मान लीजिएगा मेरी आईडी का नाम है ए और जिस आईडी को मैं सर्च कर रहा हूँ उस आईडी का नाम है बी। अब ए जब बी को सर्च कर रहा है और बी ने ए को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो मुझे उसकी आईडी नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है, मुझे आईडी तब भी दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आईडी नहीं दिखेगी। आईडी कई बार दिखती है लेकिन पोस्ट और फॉलोअर ये नहीं दिखते, कितने फॉलोअर हैं, कितनी पोस्ट पड़ी हैं और कितनी फॉलोइंग है ये नहीं दिखती, लेकिन प्रोफाइल फोटो दिखता है। ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जब कोई हमें ब्लॉक कर देता है तब हमें आईडी नहीं दिखती। जैसे मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं तो मैं तुम्हारी आईडी जाके तब भी देख सकता हूं, लेकिन तुम मेरी आईडी को नहीं देख सकते। ऐसा करके समझो, जो पहल करके ब्लॉक करेगा वो दूसरे की आईडी को देख सकता है, दूसरा बंदा उसकी आईडी को नहीं देख सकता। इंस्टाग्राम यूजर लिख के आता है अगर आपने उसके साथ मैसेज में बात की है तो, लेकिन अगर आपने उससे मैसेज वगैरह में कोई बात नहीं की है तब वो आईडी आपको नहीं दिखती। तो ये वाली बात तो हो गई, यहाँ तक क्लियर। लेकिन मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने आपकी नई आईडी को, जैसे सपोज करो आपने नई आईडी बनाई अपनी पुरानी एक्स को या अपने पुराने एक्स को ढूंढने के लिए, या किसी भी रीजन से कोई आईडी आप सर्च कर रहे हो और वो आईडी आपको एक आईडी से तो दिख रही है, लेकिन जो आपने दूसरी आईडी बनाई है या दूसरी आईडी है आपकी, हो सकता है वो आपकी नई आईडी हो जिससे आप उसे सर्च कर रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर ऐसा तभी होता है कि जब हम नई आईडी बना के किसी को सर्च करते हैं तो वो आईडी हमें नहीं दिखती है। और देख लेना आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को अपडेट कर लो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। अगर अपडेट करने के बाद भी आपकी ये दिक्कत बनी हुई है तो बस आपको एक काम करना है, ज्यादा उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैं समझा दूं कि वो दिक्कत कैसे होती है। मान लीजिएगा जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं, मान लो जिस बंदे की या बंदी की आईडी को आप सर्च कर रहे हो, उसने अगर आपकी किसी आईडी को ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक करने के समय पे दो ऑप्शन आते हैं हर किसी के पास, मेरे पास भी आते हैं और वो आपके पास भी आते हैं, कि क्या आप, जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो इंस्टाग्राम पूछता है कि क्या आप इसकी इसी आईडी को ब्लॉक करना चाहते हैं या ये और आईडी बनाए आप उनको भी ब्लॉक करना चाहते हैं। तो नॉर्मली लोग पहला वाला जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके कि भैया जी जितनी भी आईडी बनाएगा सब पे ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो ऐसे में इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, इंस्टाग्राम के पास हमारी जीमेल की आईडी तो होती है, उसके साथ साथ हमारे फोन की डिटेल भी होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर मैंने एक आईडी से, अगर किसी ने मुझे एक आईडी पे ब्लॉक कर दिया, मेरी एक आईडी ब्लॉक कर दी, अगर मैं उसी फोन में दूसरी आईडी बनाता हूं और मैं उस आईडी से सर्च करता हूं तो इस बात के चांसेस ना हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं कि मुझे वो आईडी दिखे। क्योंकि होता यही है, एक ही फोन में अगर मैंने दूसरी आईडी बनाई है, उसी फोन में जिस फोन की आईडी ब्लॉक हुई है उसी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर मैं दूसरी आईडी बना लूं कि अरे इसे ब्लॉक कर दिया तो चलो इस आईडी से सर्च करते हैं, मतलब इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि उस आईडी से भी वो आईडी सर्च ना हो। इतना पॉइंट समझ लो आप, यानी कि नई आईडी अगर मैं उसी फोन में बनाता हूं तब भी वो मुझे सर्च नहीं होती, क्योंकि मेरे फोन की जो डिटेल्स हैं वो इंस्टा के सर्वर में सेव होती हैं पहले से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी आईडी को कोई ब्लॉक करता है ना तो हमारी जो डिटेल्स होती है उसके आधार पर इंस्टाग्राम हमारी और आईडियों को भी उसके लिए ब्लॉक कर देता है और इसीलिए वो हमें सर्च में नहीं आती। अब आप कहोगे कि भैया मैंने अपने एक फोन के अंदर चार आईडी बना रखी हैं या पांच बना रखी हैं, दस बना रखी हैं, तो उसने मेरी एक आईडी ब्लॉक करी है, दूसरी आईडी से मैं सर्च कर रहा हूं तो दिख रही है, और मैं तीसरी आईडी से सर्च कर रहा हूं उसको तब भी नहीं दिख रही। तो इसकी जो समस्या का समाधान है वो ये है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में आओ, क्लियर कैचे करो, क्लियर कैचे करने के बाद क्लियर डाटा करना है, ऐप डाटा में जाके, एप्लीकेशन में जाके क्लियर कैचे, फिर क्लियर डाटा। और क्लियर डाटा तभी करें जब आपकी जो इंस्टाग्राम की जो कोई भी ऐसी अकाउंट हो जिस पे आपके ड्राफ्ट में रील्स बनी हुई हो, तो पहले आप उनको डाउनलोड कर लेना तभी क्लियर डाटा करना, अदरवाइज वो सारी रील्स जो है डिलीट हो जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना,
उसके बाद आपको क्लियर डाटा करना है और फिर करना है फोर्स स्टॉप, और उसके बाद इंस्टाग्राम जो है बैक कर देना है, और बैक करने के बाद अगर इंस्टाग्राम का अपडेट पड़ा हो तो अपडेट कर लेना, अदरवाइज दोबारा से लॉगिन करना और तब वो आपको आईडी दिखने लग जाएगी। और अगर तब भी ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी से आप उसको सर्च कर रहे हो ना, उसको कुछ समय के लिए डिसेबल करना है, आईडी को परमानेंटली डिसेबल नहीं करना, थोड़े समय के लिए करना है। और डिसेबल करने के बाद जब आप दोबारा से उसे इनेबल करोगे आईडी को और फिर उसे सर्च करोगे तो आपको वो आईडी दिखने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि भाई की वीडियो कैसी लगी। और नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ऐसी ही वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।